हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेश्वरी यादव और आज हम बात करेंगे कि जब हम मूवर्स और पैकर्स के थ्रू शिफ्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो हमें ऐसी कौन सी तैयारियां हैं जो पहले कर लेनी चाहिए ताकि जब हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो तो वहां जाने के बाद हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े और बहुत जल्दी हमारा घर ऑर्गेनाइज हो जाए। तो आज का वीडियो इसी बारे में है कि आपको पहले क्या क्या चीज़ें करनी है मूवर्स और पैकर्स के आने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर से लाइक ज़रूर से कीजिएगा और सब्सक्राइब भी आप इस चैनल को कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी हम मूवर्स और पैकर्स के थ्रू शिफ्टिंग करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें जान लेनी ज़रूरी है। अगर आप पहली बार मूवर्स और पैकर्स के थ्रू शिफ्टिंग करने वाले हो तो आपको मैं बता देती हूँ कि किस तरह से वो पैक करते हैं। जब मूवर्स और पैकर्स घर में आते हैं पैक करने के लिए, तो वो बहुत सारे कार्टन्स, बबल रैप, वो सब कुछ लेके आते हैं। वो आते हैं कम से कम 4-5 बंदे, वो सीधा आते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं पैकिंग करना। वो बिल्कुल बिना सांस लिए समझ लीजिए कि पैकिंग करना शुरू हो जाते हैं। उनके हाथ में जो चीज़ आती है वो उसी को पैक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपका काम तो ये है ना कि आप उनको बताओगे और आप बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि वो लोग तो आते स्टार्ट हो जाएंगे एक हर चीज़ को पैक करना, और आप सोचते हो कि शायद वो ढंग से तो पैक करेंगे ही सही, बट वो किस चीज़ को किस में पैक कर रहे हैं, उनके हाथ में जो आ रहा है वो उसी चीज़ को पैक कर रहे हैं। तो होगा क्या कि जब कहीं जाओगे और वहां शिफ्ट होगे, तो आप जब खोलोगे डब्बों को तो सारी चीजें गंदी निकलेगी या सारी चीजें खराब, मतलब खराब मींस कि वो सही से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगी आपसे जल्दी से। तो आपको क्या करना है, पहले से प्लान करना है। कैसे प्लान करना है कि कुछ चीजें आपको पहले से ही करके अपने आप से करके रखनी है, ताकि जब भी आप शिफ्टिंग करने के बाद जिस घर में आप पहुंचने वाले हो तो वहां आपको कम से कम टाइम में आप जल्दी से जल्दी उस सामान को जमा सको। इसके बारे में ही मैं आज का ये वीडियो लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहले हमें डिक्लटर करना है, मतलब जो भी घर में वेस्ट सामान है जो कि हमारे यूज नहीं आने वाला, आगे वाले घर में भी जाके यूज नहीं आने वाला, या फिर ये समझ लीजिए कि वो ले जाना जबरदस्ती का मतलब बोझ ही है आपके साथ, तो आप ऐसा कर सकते हो कि उन चीज़ों को घर से निकाल दें। जैसे कि कोई कपड़े हो गए हमारे जो हम नहीं पहनते हैं, या फिर कोई ऐसा सामान है जो कि अब यूज़ नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें जो खराब हो चुकी हैं, तो ऐसे कई सारे सामान होते हैं जो कि हमारे यूज़ के नहीं होते हैं और फिर भी हम एक जगह से, क्योंकि वो लोग आएंगे तो वो लोग रुकेंगे बिल्कुल नहीं, वो आपके घर में पॉलीथीन कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, वो एक ढक्कन कुछ भी नहीं छोड़ेंगे वो घर के अंदर, सब पैक कर देंगे। तो जो भी आपको पहले से घर से निकालना है वो चीज़ें आप पहले से निकाल के उनको बेच दे। कुछ भी चीज़ ऐसी है जो कि आपको यूज़ नहीं आने वाली है वो सब पहले से ही निकाल दे, ताकि जब आप नेक्स्ट घर में जाओ तो वो ज़बरदस्ती का कचरा आप अपने साथ नहीं लेके जाओ। सेकेंड चीज़ जो कि आप कर सकते हो वो है कि आप उनसे पहले ही 10-12 कार्टन मंगवा लें, और उन कार्टन को आप अपने तरीके से उन कार्टनों में अपने तरीके से अपनी चीज़ों को जमा लें। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हो वो है कि आप अपने कपड़े जमा सकते हो। जो आपको पता है कि अब जैसे आप शिफ्टिंग करने वाले हो और आपको 7 दिन पहले आपको पता है कि यही कपड़े मेरे यूज़ आने वाले हैं, उन कपड़ों को अलग कर दें, और बाकी जितने भी कपड़े हैं जैसे विंटर क्लोथ्स अलग होते हैं, तो विंटर क्लोथ्स को आप प्रॉपर एक पॉलीथीन मंगवा के अच्छे से उनको धो के अच्छे से उनको पैक कर देते, क्योंकि वो तो बहुत कम यूज़ होने वाले हैं और नेक्स्ट सीजन में यूज़ होंगे। तो जो कपड़े नेक्स्ट सीजन में यूज़ होने वाले हैं उनको अच्छे से धो के उनको अच्छे से पॉलीथीन वाले बैग आते हैं छोटे छोटे, उनमें पैक करके आप उनको रख सकते हो। उसके अलावा आप जितने भी जो भी कपड़े हैं आपके, आप सिस्टमेटिकली जमा सकते हो, ताकि जब आप नेक्स्ट घर में मूव करोगे या वहाँ आपको जमाना होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो एक चीज़ तो आप ये कर सकते हो। सेकंड चीज़ आप कर सकते हो कि जितने भी आपके ग्रॉसरी के सामान हैं वो आप खरीदना बंद हो ही जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको शिफ्टिंग करनी है, तो जो आपके पास सामान है उन्हीं को यूज़ करते हुए आप उसके बाद आपको क्या करना है कि जितने भी आपके किचन के डब्बे हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ नहीं आने वाली है आपको लास्ट 7 दिन में, उनके लिए आप ऐसे कर सकते हो कि आप उनको अच्छे से वॉश करके उनको अपने जो कार्टन्स मंगवाए हैं उनमें आप खुद से पैक कर लो। आपको लगता है ना कि ये चीज़ें मेरी यूज़ होने वाली नहीं है, तो उनको अच्छे से क्लीन कर लो आप पहले से, क्योंकि अगर कोई चीज़ क्लीन होगी तो आपको नेक्स्ट घर में जाने के बाद आपको उन चीज़ों को क्लीन नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, वहाँ जाने के बाद आप पहले इस शिफ्टिंग में थक जाओगे, देन उस घर में जाने के बाद आप इतनी ज़्यादा लेथार्जिक हो जाओगे कि आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो आप क्या करो, पहले से ही जब आप फ्रेश हो तभी आप ये सारे काम निपटा लो। तो आप क्या कर सकते हो, जितने भी आपके ग्रॉसरी है, जितने भी सामान है डब्बों के अंदर, उनको आप क्या करें, निकाल लें, पॉलीथीन में पैक कर लें और उन डब्बों को साफ़ करके कार्टन्स के अंदर डाल लें, ताकि वो एक
चीज फिनिश हो जाए आपके किचन की, ताकि आप जहां भी नेक्स्ट मूव करने वाले हो बस आप किचन के डब्बे निकालोगे, वो जिसमें ग्रोसरी आपने निकाली है खाली करी है वो निकालोगे और सब डब्बों में पैक करके डाल दोगे। वरना क्या होगा, वहां जाओगे पहले उनको खोलोगे, क्योंकि वो तो पैक का पैक डब्बा डाल देंगे, जैसे आपका घर में पैक डब्बा पड़ा है ना वैसा का वैसा वहां डाल देंगे। बट हमारे लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम होता है जब हम घर की सफाई भी हो जाती है हमारी, जब हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। अगर हम पहले से ही उन डब्बों को साफ करके अपने अलग कार्टन में डाल देंगे और उनके जो सामान है वो छोटी छोटी पॉलीथिन में डाल के हम अलग कार्टन में डाल देंगे, तो जब हम नेक्स्ट कहीं मूव जहाँ भी हम जाने वाले हैं बस वहाँ से डब्बा निकालो क्योंकि साफ है डब्बा भी, और सामान निकालो, सामान भी हम देख सकते कि खराब हुआ या नहीं हुआ और उनमें डाल के आप जमा सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी टिप है, ये करने से आपका जिस घर में आप शिफ्ट होने वाले हो वहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है आप फ्रिज अच्छे से धो के, मतलब आप समझ लीजिए कि कल मूवर्स और पैकर्स आने वाले हैं, उसके पहले पहले तो आप फ्रीजर का सामान पहले ही खाली कर दोगे। साथ ही आप फ्रिज को, जैसे कल आने वाले हैं तो आज ही आप फ्रिज को अच्छे से धो के सुखा लें ताकि वो आते ही उसको पैक करके रख दे। उससे क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट घर में जाओगे तो सिर्फ आपको पैकिंग खोलनी है, आपको उसके अलावा कुछ नहीं करना है। आपको अलमीरा सारी खाली कर देनी है, जिससे कि आप नेक्स्ट घर में जाओगे उनको अच्छे से साफ भी कर लीजिए ताकि वो ऊपर से पैक करेंगे, वहां जाएंगे खोलेंगे और आप अपना सामान आराम से जमा सकते हो। तो ये चीजें हैं जो आप पहले कर लोगे तो आपको जब घर में नेक्स्ट घर में शिफ्ट होगे तो वहाँ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने भी यही सारी चीज़ें करी है। जो आपको बैग्स अपने ड्यूरिंग द जर्नी चाहिए उनको आप पहले से अलग पैक कर लें, क्योंकि जब वो लोग आएंगे ना आपके पास इतना टाइम होगा नहीं कि आप अपने उस टाइम पे कोई बैग लेके आप जमाओगे, तब तक वो पता नहीं कौन सा सामान किस में डाल देंगे। तो होता क्या है कि आप पहले से ही अपने बैग पैक कर लें जो कि आपको चाहिए, क्योंकि बाद में तो वो सब चीज़ पैक कर देंगे और आप जब अगर या तो आप खुद पैक करने लग जाओगे किसी काम में लग जाओगे तो वो हर चीज़ पैक करके रख देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस में उन्होंने क्या पैक किया है या किस तरीके से पैक किया है। तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम मूवर्स और पैकर्स के थ्रू पैक करवाते हैं, तो हमें काफ़ी चीज़ों का पहले से ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट चीज़ होती है कि आप एसी वाले को, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो कि हम वो लोग नहीं करते हैं, वो चीज़ें हमें पहले से ही किसी और बंदे को बुलवा के करनी हो, जैसे कि एसी है, एसी हम खुद निकाल नहीं सकते तो उसके लिए जो एसी वाले होते हैं उसी की ज़रूरत होती है। तो आप एसी वाले बंदे बुलाएं, देन आप उनसे ही पहले ही खुलवा के रख लें एक दिन पहले, ताकि उस दिन आपको ज़्यादा टाइम मतलब वेस्ट ना हो आपका और आप मतलब जल्दी से मूवर्स और पैकर्स के थ्रू पैक करवा सकें, क्योंकि घर को पैक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अभी हमारे घर पे हमने जल्दी, पिछली बार जब हमने मूवर्स और पैकर्स के थ्रू पैक किया था तो वो लोग 11 बजे आए थे, तो उनको शाम को 6-7 बज गई थी पूरा, और जबकि वो एक मिनट नहीं रुके थे, वो 3-4 बंदे आते हैं उसके बाद भी। और इस बार हमने क्या किया था, हमने सुबह जल्दी बुलाया था उनको 7:30 बजे, तो वो तकरीबन 4 बजे के आसपास जो गाड़ी थी वो निकल गई थी। तो इतना टाइम आपको लग जाता है जबकि हमारे पास बहुत ज़्यादा कोई सामान है नहीं, फिर भी इतना टाइम लग जाता है। तो आप भी ये चीज़ ज़रूर सोच के चले कि आप नहीं उसको दिन में बुला रहे हो तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, रात हो जाएगी आपको। तो आप मतलब मूवर्स और पैकर्स को कोशिश करें कि सुबह बुलाएं ताकि आपका जो दिन है वो टाइम पे ख़त्म हो सके। क्योंकि क्या होता है, जैसे हम किसी रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं या किसी घर में रहते हैं तो हमें क्या होता है कि जैसे हमें घर मिला है, जैसे कि हम जब रेंट के लिए गए थे उस घर में तो कितना साफ सफाई से वो घर मिला था, पर जब हम छोड़ के आते तो हम कितने गंदे तरीके से छोड़ के आते, तो हमें उस तरीके से उस घर को नहीं छोड़ के आना है। बल्कि अगर हम टाइम पे मतलब हमारी गाड़ी निकल जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम उस घर को साफ भी अच्छे से कर पाएंगे, ताकि क्योंकि हमें हम वहाँ रह के गए हैं तो हमें हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि हम उस घर को भी साफ रखें, हम उसमें रहे हैं। तो हम अभी मैंने क्या किया था, सुबह 7:30 बजे गाड़ी आई थी, 4 बजे निकल गई थी, देन हमने खाना वाना खा के मैंने पूरा घर साफ किया सबसे पहले। देन हम जब भी आपको निकलना उसके बाद निकलो तो पहले आपको घर साफ करना भी बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ भी आप ज़रूर से ध्यान में रखें। किचन के कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि हमें बहुत ही कम यूज़ होते हैं, जैसे कि इडली वाला हो गया, दाल बाटी का जो बाटी का कुकर हो गया वो हो गया। आपके पास कई ऐसी चीज़ें होती है जो कि आपको बहुत कम यूज़ होती है, वो चीज़ों का आप पहले से ही कार्टन में डाल के रख लें ताकि जब मूवर्स और पैकर्स वाले आए तो वो आपके डेली यूज़ के बर्तन, आपका गैस चूल्हा, ये चीज़ें ही मतलब पैक करें, या जैसे कप वगैरह हो गए तो वही पैक करें। अदरवाइज़ जो ज़्यादा सामान है अगर आप वो पैक पहले से करके रख लोगे तो आपको पता है कि कौन से डब्बे में क्या है, पहली बात। दूसरी बात, आपके नुकसान होने का खतरा भी बहुत कम हो जाएगा क्योंकि आप उनको अच्छे से पैक करोगे, वो लोग भी काफ़ी अच्छे से पैक करते हैं बट आप लोग भी काफ़ी अच्छे से उसे पैक कर पाओगे। नेक्स्ट है कि मूवर्स और पैकर से आने के पहले आप अपने सारे काम से फ्री हो जाओ, क्योंकि उस टाइम आपको एक मिनट का टाइम नहीं मिलने वाला, आपके पैर दुखने वाले हैं क्योंकि आप खड़े खड़े उनको बताने वाले हो कि भैया इसमें ये मत डालो, इसमें ये मत डालो, और उन पे सब पे लिखवाना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, किचन के आइटम पे सिर्फ किचन लिखवा देते हैं जो कि हमें नहीं करना है। किचन के आइटम पे हमें किचन के अलावा
जैसे कि किचन के आइटम में क्या क्या है, तो कम से कम 4-5 चीजों के नाम लिखवाने, वरना ऐसा होगा कि आप लेने कुछ जाओगे किचन लिखा हुआ है, निकलेगा कुछ सारे किचन के डब्बे आपको सब खोलने पड़ जाएंगे जो कि आपके साथ ना हो। तो उसके लिए आप क्या करो कि आप उसमें मोटी मोटी 4-5 चीजें जरूर से लिखवा दो। इस और एक चीज और कि अगर मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया है 20 टिप्स फॉर शिफ्टिंग, वो आप ज़रूर से देख लें क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँ और आई बटन में भी दे दूँगी, तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, उससे आपको पूरी प्लानिंग हो जाएगी और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है शिफ्टिंग के दौरान, वो सारी मैंने उसमें बताई है। तो आप वो वीडियो ज़रूर से देखें, मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, और जितनी भी आपके फ्रेंड्स मूवर और पैकर्स के थ्रू शिफ्टिंग करने वाले हैं उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू।